बहराइच में भेड़ियों के आतंक के बाद अब झांसी में सियारों का आतंक बना हुआ है। यहां सियारों ने 3 ग्रामीणों को अपना शिकार बना लिया, जिसके बाद ग्रामीण अब दहशत में हैं। भेड़ियों के आतंक के बाद अब झांसी में सियारों का आतंक बना हुआ है। यहां सियारों ने 3 ग्रामीणों को अपना शिकार बनाया है, जिसके बाद ग्रामीण अब दहशत में है। वहीं घटना की सूचना वन विभाग की टीम को दी गई, जिसके बाद वन विभाग ने गांव में पहुंचकर ऑपरेशन सियार शुरू कर दिया। झांसी के टहरोली तहसील के रनियारा गांव में खूनखार सियारों का आतंक जारी है, जहां 3 लोगों पर सियारों ने हमला कर दिया और ग्रामीणों को जख्मी कर दिया। सियार ने काटो है। आपको काटा? हाँ। कब काटा था आपको? परसों काटो तो रात के काटो तो 8-9 बजे। रात 9 बजे आप कहाँ पर थे? हम झला पे थे, कीर्तन हुआ तो सुन रहे थे। कितन सुन रहे थे, वहीं काट लिया? हाँ, उतनी काटो, हमें काटो, झला के आदमी। कितने सियार हैं वहाँ पे? अब सियार तो बेलात हैं, अब ये कहीं जाओ तो बस वो काट गा। वो क्या कहा गया, लड़क जाना काटा सियार ने काटा। क्या कर रही थी आप? पानी भर रहे थे। कितने सियार थे? एक था। सियारों के आतंक से गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं गांव के युवा एवं बच्चे घरों से निकलने में कतरा रहे हैं। वन विभाग को ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गई कि गांव में सियार ग्रामीणों पर हमला कर रहे हैं। सूचना मिलते ही क्षेत्रीय वन अधिकारी के निर्देशन पर वन दरोगा बीट प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर सियारों को पकड़ने के लिए पिंजरा लगा दिया है और ऑपरेशन सियार शुरू कर दिया है। रात सुबह 5 बजे एक महिला मातन के मंदिर पे पानी भरने गई तो उसको सियार ने आन के उसको काट लिया। फिर प्रधान ने सूचना करी जी, तो प्रधान की सूचना पर रनवारा आए, रनियारा आए जी। तो यहाँ मौके पे देखा, उस औरत को ले गए अस्पताल जी, तो इंजेक्शन वगैरह दवाई वगैरह फल फूल उनको खाने के लिए दिया, तो उनको घर पर ले। फिर प्रधान जी के यहाँ, प्रधान जी ने कही कि हमारा एक जाल यहाँ पर बिछवाए, तो हमने तुरंत अपने उच्च अधिकारी श्री क्षेत्रीय वन अधिकारी अवधेश सिंह बुदेला को गुरसराय को कहा, तो उन्हें तत्काल ही पिंजरा लगवा दिया है। और रेंजर साहब भी प्रधान जी से आन के मिले थे जी। हम लोग बाद में आए लेके, इस बगिया का क्या नाम है? कालका माता की बगिया में। बहरहाल इस हमले के बाद ग्रामीण दहशत में हैं और सूरज ढलने के बाद घरों से निकलने से भी कतरा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ आगरा।